Hello traders, welcome to the YouTube channel of Fusion Chart again. Okay, today we'll discuss about some stock setups. Okay, हम लोग कुछ setups के बारे में discuss करेंगे, किस तरीके से setup बनते हैं और किस तरीके से आप लोग trade कर सकते हो वहाँ पर, और कौन-कौन सी चीजें align में अच्छी लग रही हैं कि जहाँ पर हम लोग profit बन सकता है, हम लोगों का profit अच्छा बन सकता है. तो thanks for the 675 subscriber till now. और जिस जिस लोगों ने वीडियो नहीं देखी, जो पहली बार देख रहे हैं, वो सब ये पुरानी वीडियोस भी देख सकते हैं, बहुत काम की हैं और शायद आपके काम आ सकती हैं. ठीक है, तो चलते हैं अभी एनालिसिस पर, जो कि है निफ्टी 50 की. ओके, सो निफ्टी 50 में जो मैंने आपको बोला था कि येल्लो लाइन कैन एक्ट एज अ रेजिस्टेंस, तो दो तीन चार दिन से वो बिल्कुल वही चीज़ कर रही है. आज उस येल्लो एरिया के ऊपर ये प्राइस सस्टेन करा है. अगर ये कल मूवमेंट कंटिन्यू करेगा, सस्टेन कर कर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करेगा मूवमेंट टिल दिस, पॉसिबल है कि ये जो गैप एरिया है ये वाला, इसको ये फिल कर दे. ठीक है, निफ्टी इट कैन कम एट दैट पॉइंट. ओके, यहाँ पर आ सकता है अगर ये मूवमेंट को कंटिन्यू करेगा. अगर ऐसा होता है, निफ्टी अच्छी तरीके से चलता है ऊपर और सस्टेन करता है इसके ऊपर अगेन एंड कंटिन्यू करता है मूवमेंट को, देन पॉसिबल जो स्टॉक्स मूव कर सकते हैं आपके फेवर में और अच्छा प्रॉफिट बन सकता है, वो मैं आपको सेटअप्स कुछ सिलेक्टेड कर रखे हैं मैंने, वो आपको मैं बता रहा हूँ. तो सबसे पहला गाइस, यस बैंक के बारे में थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगा कि यस बैंक आप लोग थोड़ा देख रहे हो कि बहुत अच्छा अपमूव दे दिया है यस बैंक ने. तो जो भी रिटेल इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, तो वो इस तरीके से ट्रैप में ना फंसे. मेरे लिए अभी भी ये कवाड़ा है यस बैंक, इट्स लाइक कि अभी मैं बिल्कुल भी ऐड नहीं करूंगा, ना तो मैं पोर्टफोलियो में ना मैं इसको ट्रेड करूंगा, कुछ भी हो सकता है इसमें. ठीक है, इतने सारे स्टॉक्स पड़े हैं ट्रेड करने के लिए, बेटर है आप वहाँ ट्रेड करो. ओके, सो जब तक ये एरिया यानी कि 135 एंड 127 तक ये आएगा, आ भी सकता है, डोंट नो, इसके ऊपर ये सस्टेन नहीं करता, मेरे लिए बाई नहीं है बिल्कुल भी स्ट्रिक्टली. ओके, तो ये बिल्कुल एरिया इस तरीके से ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया फेस हो सकता है इसके लिए. जब तक इसके ऊपर आएगा देन इट्स ओके, वहाँ पर आप लोग एक अच्छा छोटा सा रिस्क लेकर वहाँ एंटर कर सकते हो, बट इट्स टोटली अवॉइडेड. ओके, सेकेंड है सन फार्मा. सन फार्मा में बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया हुआ है, ब्रेकआउट के साथ एक गैप अप से ओपनिंग ऊपर की तरफ पॉसिबल है. अगर ये स्ट्रेट मूव करा तो देन विल नॉट कैच दिस, ओके, आप लोग एंट्री नहीं करोगे. बट इफ प्राइस रीटेस्टेड, मींस प्राइस दोबारा नीचे आया, ये गैप छोटा सा दिख रहा है यहाँ पर, अगर फिल करा इसने, पॉसिबल है कि प्राइस ये यहाँ तक आके देन इट कैन गो लाइक दिस. ठीक है, ये एरिया एटलीस्ट ये एरिया तक तो आएगा 460. ठीक है, पॉसिबल टारगेट. तो ये जब भी इस एरिया को, मैं आप थोड़ा सा अपना अलर्ट सिस्टम जो भी लगाते हो कुछ भी करते हो, तो ये वॉच करिएगा ये एरिया को. ठीक है, प्रोबेबल सेटअप है, बहुत अच्छा सेटअप है, यहाँ से एक अच्छा बाउंस पॉसिबल है. ठीक है, स्टॉप लॉस आपका 408 के नीचे रहेगा. ठीक है, 408 के नीचे रहेगा और वहाँ पर अच्छे मूवमेंट की 460, 440, 430 तक के मूवमेंट आपको वहाँ पर दिख सकते हैं सन फार्मा से. ओके, नेक्स्ट स्टॉक है आपका अदानी, जो कि मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था आपको. ठीक है, पिछली वीडियो में आप चेक कर लेना, वहाँ अदानी मैंने बोल रखा है. तो ये अच्छा खासा एक ब्रेकआउट दिया है, सिमेट्रिक ट्रायंगल ब्रेकआउट बोलते हैं इसको, अच्छा खासा ब्रेकआउट दिया है. स्टॉप लॉस यू कैन पुट बिलो दैट. ओके, ये 401 मिनट. ओके, सो 414, 413 आपका एक सपोर्ट जोन रहेगा वहाँ तक, और एक यहाँ पर आप अच्छी तरीके से एंट्री कर सकते हो या रिट्रेसमेंट पे एंट्री कर सकते हो, डिपेंड ऑन योर रिस्क कैपेसिटी. तो यहाँ पर इस तरीके से प्राइस नीचे आकर ऊपर जा सकता है. ओके, मींस या तो ये इस तरीके से डायरेक्टली 430 के लेवल्स को दिखा सकता है, या फिर थोड़ा नीचे आकर फिर ये ऊपर की तरफ जा सकता है. पॉसिबल टारगेट्स मैं फिर बोल रहा हूँ, मैंने अदानी पोर्ट में पहले ही बोल रखे हैं, 440 एंड 450 तक जा सकता है क्लियरली. ओके, अदानी पोर्ट विद द सपोर्ट ऑफ 413 एंड 414. ओके ओके, नेक्स्ट इज पावर ग्रिड. पावर ग्रिड भी मैंने अपनी वीडियो में बोल दिया था आपको, और अगर आप लोगों ने वो फॉलो करा होता शायद आज आपका अच्छा पैसा बन चुका होता पावर ग्रिड में. तो पावर ग्रिड यहीं रिट्रेसमेंट करा उसने, 203-201 के बीच में मैंने बोला था, और यहाँ से आज डायरेक्टली फायर कर गया वो. अभी भी स्ट्रॉन्ग लग रहा है ये एरिया के ऊपर, अगर जाता है, मैं एरिया मार्क कर देता हूँ यहाँ पर, इस एरिया के ऊपर अगेन ये सस्टेन करता है, देन पावर ग्रिड अगेन बाय अपॉर्चुनिटी अबव 210.50 सस्टेन करता है, देन यू कैन गो फॉर द
अप मूव ऑफ टिल 216 एंड 220। ओके, ये एक अप मूव आ सकता है, और 230 भी आप लोगों को दिख जाए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बशर्ते निफ्टी फेवर में होना चाहिए, मूवमेंट देना चाहिए निफ्टी को। ओके, तो ये प्रोबेबल सेटअप थे, एक सेटअप ये भी बन रहा है बहुत अच्छा, और ये अभी भी मैं इसमें लॉन्ग में हूँ, मैंने पोजीशन ऐड कर रखी है 203 एक पर। ओके, लेट्स सी कहाँ तक जाता है ये। डॉक्टर रेड्डी इज ऑल्सो लुकिंग गुड, ठीक है, बहुत अच्छा सेटअप लग रहा है, एक अच्छा अप ट्रेंड यहाँ से कंटिन्यू कर सकता है और ये एरिया में ये जा सकता है, ठीक है। रिट्रेसमेंट मैं अगेन बोल रहा हूँ, अगर रिट्रेसमेंट आया तो बाई करिएगा विद द सपोर्ट ऑफ 2655। ओके, 2655 इट्स अ गुड सपोर्ट, वहाँ तक का सपोर्ट लेकर आप लोग यहाँ पर इसके लिए लॉन्ग जा सकते हो डॉक्टर रेड्डी के लिए, अच्छा लग रहा है। ओके, छोटा रिस्क देखो वहाँ पर, जहाँ पर भी आपका छोटा रिस्क बनता है देन यू कैन एंटर। ओके, ये प्रोबेबल सेटअप है इसका, और ये इस वाली येलो लाइन जो आपको येलो एरिया दिख रहा है ये प्रोबेबल हिट कर सकता है इसको, तो दैट मीन्स ये 2700 2730 एंड 2750 2800 तक ये लेवल्स दिखा सकता है आने वाले दिनों में। नेक्स्ट इज एलटी। एलटी का अगर हम लोग ढंग से सिंपल तरीके से चार्ट देखें तो यहाँ दिखेगा आपको, बहुत सिंपल चीज है कि यहाँ ये रेजिस्टेंस ब्रेक करा, अगेन इट केम टू दैट रेजिस्टेंस टर्न इन टू अ न्यू सपोर्ट, तो वो यहाँ से सपोर्ट लिया उसने, देन पॉसिबल मूव है कि कंटिन्यू करेगा मूवमेंट को एलटी टिल देयर, ठीक है। मीन्स एक छोटा सा रिस्क लेकर यहाँ पर अपने हिसाब से, जो भी आपको लगता है कि किस तरीके से रिस्क लिया जाता है, वहाँ पर रिस्क लेकर यू कैन गो विद द टारगेट ऑफ 1480 एंड 1495 ऑन 1500 ऑल्सो। ओके, दैट कैन बी अ प्रोबेबल टारगेट फॉर इट एलटी लार्सन एंड ट्यूबर। एशियन पेंट्स, नेक्स्ट इज एशियन पेंट। एशियन पेंट्स ऑल्सो लुक्स गुड, ठीक है, विद द सपोर्ट ऑफ, अगेन आई एम गिविंग दिस सपोर्ट, विद द सपोर्ट ऑफ 1360 एंड 62, इट्स लुक्स गुड, ठीक है, यहाँ पर ये बहुत अच्छा लग रहा है एशियन पेंट। रिट्रेसमेंट पर बाई अगर आए तो अच्छा लगेगा, बनेगा वहाँ पर बाई, और टारगेट इसके सेम वही रहेंगे 1390 एंड 1400 1405 कैन बी अ टारगेट ऑफ एशियन पेंट। बहुत अच्छा सेटअप है, रीजन बींग एक छोटा सा ब्रेकआउट भी दिया है इस तरीके से ये देखोगे तो, ठीक है, यहाँ सस्टेन भी कर रहा है प्राइस ऊपर की तरफ, एंड देन स्ट्रॉन्ग कैंडल है एंड पॉसिबल मूव है ऊपर की तरफ आ सकता है। अगेन मैं बोल रहा हूँ, कोई भी स्टॉक कोई भी ट्रेड लेना है देन यू हैव टू सी द रिस्क फर्स्ट देन यू हैव टू ट्रेड। अगर रिस्क नहीं देखोगे, अंधों की तरह ट्रेड लोगे तो सीधी सीधी बात है, वहाँ पर आप लोगों को लॉस ही मिलना है हर बार, ठीक है। कंट्रोल योर इमोशंस, फोमो का जो बीमारी आप लोगों को कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, जो चीज़ें छूट जाती हैं, 50 सेटअप बनते हैं गाइस मेरे साथ भी, मेरी वॉच लिस्ट में बहुत सारे स्टॉक्स होते हैं, बहुत सारे छूट जाते हैं बिकॉज ऑफ दैट रिस्क रिवॉर्ड, है ना। रिस्क रिवॉर्ड पहले देखना होता है, बाकी उसके बाद होता है एंट्री, उसके बाद होता है प्रॉफिट, ठीक है। एग्जीक्यूशन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। तो ये है हिंदुस्तान यूनिलीवर, बहुत अच्छा स्टॉक लग रहा है, FMCG कैन डू गुड इन कमिंग डेज। तो अब यहाँ पर एंट्री कहाँ बनती है, सपोर्ट बहुत अच्छा लिया है इसने ट्रेंड लाइन पर इस तरीके से, एंट्री इज येलो लाइन के ऊपर ही बनेगी, येलो एरिया के ऊपर, ठीक है, प्रॉबेबल जो एंट्री बनेगी बिकॉज दिस इज द रेजिस्टेंस जोन फॉर इट, ठीक है। और इसके ऊपर यानी कि 1757-58 के ऊपर अगर प्राइस जाता है, सस्टेन करता है, देन इट कैन हिट द प्रोबेबल टारगेट ऑफ 1785 एंड 1800। ओके, कैन हिट दैट वन विद द सपोर्ट ऑफ 1750 एंड 56। ओके, दिस इज द सपोर्ट एरिया, अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा देन यू हैव टू बाय, उसके पहले बिल्कुल भी नहीं बाय नहीं करना। ओके, नेक्स्ट इज रिलायंस। रिलायंस अगर आप लोग देखो तो रेंज में काम करो, सॉरी अभी खुला नहीं है नेटवर्क इशू। कि मैं इसको रीलोड करता हूँ, समथिंग रॉन्ग विद इट।
So again, we'll come to the Reliance chart. तो ये रिलायंस का प्रोबेबल सेटअप बन रहा है गाइस, ये एक रेंज में काम कर रहा था रिलायंस। जब ये रेंज टूटेगी, दैट इज दिस इज द रेंज, ये रेंज टूटेगी प्राइस सस्टेन करेगा विद द सपोर्ट ऑफ 1293 एंड 1291। ओके, दिस इज योर सपोर्ट एरिया 1293 91। अबव दिस 1300 इट कैन गो फॉर द टारगेट ऑफ 1320 1330 एंड 1340। ओके, दैट कैन बी द टारगेट, और इसके ऊपर भी जा सकता है, प्रोबेबल टारगेट बस यही बन रहा है अभी के लिए। ठीक है, सो दिस कैन बी अ गुड सेटअप यहाँ पर ट्रेड करने के लिए रिलायंस के लिए। एंड अनदर इज गेल। अच्छा हाँ, गेल मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था मुझे वीक लग रहा है, एंड देखिए यहाँ से इस एरिया में बोला था मैंने, और यहाँ से डायरेक्टली बहुत डाउन आया था 144 तक। अभी भी वीकनेस है इसमें, एंट्री करने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना कोई कहीं भी लॉन्ग जाने की जरूरत है गेम में। ओके ओके, नेक्स्ट इज कोल इंडिया। कोल इंडिया इज ऑल्सो लुकिंग गुड। ओके, ये एक सपोर्ट जोन सा लग रहा है, अच्छा सा बाउंस हुआ है बार बार यहाँ पर से। तो प्रोबेबल सेटअप जो बन रहा है इसमें कि ये एक स्ट्रॉन्ग कैंडल है एट द सपोर्ट एरिया, तो यहाँ पर एक अच्छा मूव की पॉसिबिलिटी है। ओके, कोल इंडिया में। सो प्रोबेबल टारगेट इसके, अगर विद द स्मॉल रिस्क अगर जाओगे आप लोग, तो विद द सपोर्ट ऑफ दिस एरिया, ओके 231 229 और 28 तक ये सपोर्ट एरिया बनेगा, एंड गो फॉर द टारगेट ऑफ एटलीस्ट 235 238 एंड 240। बस ओके, दिस कैन बी द टारगेट फॉर कोल इंडिया। सपोर्ट मैंने आपको बोल दिया, छोटा सा सपोर्ट है, यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड। ओके, अगर आप लोग ऑप्शन में ट्रेड लेते हो मेरे चार्ट के हिसाब से, सेटअप के हिसाब से, इट्स नॉट माई रेस्पॉन्सिबिलिटी। ओके, अगर आपको ऑप्शन ढंग से काम करना नहीं आता तो मत करिएगा, लेकिन डायरेक्टली कुछ भी बाय कर लेने से तो कोई सेंस बनेगा नहीं, पहले बोल रहा हूँ। मैं इतना ऑप्शन में काम करता नहीं हूँ कि आपको मैं उस तरीके से बताऊँ ढंग से, और ना मुझे इतना परफेक्टली ऑप्शन आता है। ओके ओके, नेक्स्ट इज इन्फोसिस। इन्फोसिस रेंज के बाहर गया है, यहाँ पर आप लोग देखोगे ये भी एक रेंज में चल रहा था, दैट इज ऑल्सो लुकिंग गुड इन्फोसिस। ठीक है, इन्फोसिस बहुत अच्छा लग रहा है, और यहाँ पर प्रॉबेबल टारगेट इसका जो हो सकता है मेरे हिसाब से, वो 800 तक के तो टारगेट आराम से देखेगा, 800 820 840 कैन बी ऑल्सो सीन। ओके, रिट्रेसमेंट आया तो बाय करो, सपोर्ट आपका लगभग सपोर्ट 768 से 770 का आपका सपोर्ट रहेगा। ओके, कभी अभी कभी भी नीचे आई की तरफ आए तो यू कैन बाय एट दैट विद द सपोर्ट ऑफ दैट 768 to 770 is your support zone. Okay, with that support you can go for the long side. Target मैंने आपको बोल दिया 800 820 840 can be the possible target. Okay, last थोड़ी सी वीडियो लंबी है, स्टॉक ज़्यादा है। ITC भी अभी भी अच्छा अट्रैक्टिव लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक सपोर्ट जोन के आसपास ही है, probable move दे सकता है यहाँ पर। Okay, with the calculated risk यहाँ पर आप लोग थोड़ा सा भी वेट कर सकते हो, बट ये लुक, इट्स लुक्स गुड। ठीक है, सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, विद द सपोर्ट ऑफ दिस ऑल्सो 268 270 यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड। टारगेट मैंने 276 और 280 प्लस दे रखे हैं। ठीक है, 275 एंड 280 प्लस फॉर द ITC टारगेट। ओके, नेक्स्ट इज हीरो, हीरो मोटोकॉप इज लुकिंग ऑल्सो गुड। ओके, सेटअप बहुत अच्छा लग रहा है, इसके ऊपर जाएगा प्राइस, दैट इज 2571.65 मीन्स 2572 पर अगर प्राइस सस्टेन करता है, सो विद द सपोर्ट ऑफ 2560, ओके 2560 यू कैन गो फॉर द लॉन्ग साइड, दैट इज 2600, ओके मीन्स इफ इट सस्टेन अबव दैट यू कैन गो फॉर द 2600 2650 2680, ओके दैट कैन बी द प्रोबेबल टारगेट फॉर हीरो मोटर। ओके, सो इट कैन मूव टिल 2700 मीन्स अगर ये 2572 के ऊपर सस्टेन करता है, देन इट कैन मूव टिल विद द सपोर्ट ऑफ 2560, इट इज दिस 2550 टू 2560 विद द सपोर्ट, यू कैन गो विद द लॉन्ग साइड फॉर द लॉन्ग साइड फॉर द टारगेट ऑफ 2600 2650 एंड 2700। ओके,
Next is Kotak. Kotak is also looking good because of that range. Okay, range में है, it can break that range, break करेगा, तो it can move till this zone at least 1555. If it sustain above this 1520 with the support of 1515, okay, 1515 and 1510. With the support of 1515 and 1510, 1510 और 15 के 1515 1510 के support के साथ it can hit. अगर ये range break करता है, sustain करता है, then 1550 and 1560-70 it can move till that. Okay, यहाँ से अगर ये range break करता है तो okay, these are the stocks जो कि मुझे अच्छे लग रहे हैं आने वाले दिनों में. और निफ्टी अगर अच्छा मूव देता है, पॉसिबल अप मूव देता है, तो इट कैन गिव यू अ गुड प्रॉफिट्स. और जो मैंने सपोर्ट जोन बताए हैं आप लोगों को, वो स्ट्रिक्टली फॉलो करिएगा, तो वहाँ से प्राइस रिवर्स होने की पॉसिबिलिटीज बहुत होती है. और रिट्रेसमेंट पर बाई करिए, रिस्क फैक्टर देखिए, देन एग्जीक्यूशन परफेक्ट होना चाहिए, देन प्रॉफिट. प्रॉफिट बाद की बात है, पहले प्रोसेस को फॉलो करिए. प्रोसेस फॉलो करोगे तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली आएगा. फर्स्ट यू हैव टू फॉलो द पी फॉर द नेक्स्ट पी, दैट इज प्रॉफिट. ओके, सो आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेटअप्स वाली वीडियो अच्छी लगी हो. कमेंट करके बताइएगा जैसा भी आपको लगा हो, जो भी आप फील करते हो इस वीडियो के बारे में. और वही ECPT लाइन दोबारा, कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए, लाइक करिए ज़्यादा से ज़्यादा, अगर आपको अच्छा लगता है तो, नहीं लगता है तो भी, तो इट डिपेंड ऑन यू टोटली. अगर आपको वर्थ लगती है मेरी एनालिसिस और सिंपल लगती है, क्लीन एंड सिंपल लगती है, तो यू कैन डू लाइक डू दैट. ओके, आप लोग इतना तो कर सकते हो गाइस. और बेल आइकन दबाना मत भूलना मेरे चैनल पर, ताकि कोई भी वीडियो आए तो आप मिस ना कर सको. ओके, आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और पॉसिबिलिटी है कि आप लोग अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो इस सेटअप से. ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय.